दोस्तों, गॉड और घोस्ट दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर जितनी भी रिसर्च की जाए कम है। तो इसलिए आज आपके लिए भूतों की ऐसी ऐसी फुटेजेस लेकर के आया हूं जिन्हें देख कर के आप इनके बारे में सोचने पर जरूर मजबूर हो जाओगे। नंबर 9, पोल्टरगीस्ट का कैमरे में कैद होना। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार भूत भी कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली लोग इन्हें दो प्रकारों में बांटते हैं, एक वो जो अपनी मौजूदगी को फील करवा सकते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने में भी सक्षम होते हैं। तो जो आपको नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं उन्हें अंग्रेजी में पोल्टरगीस्ट कहा जाता है, और इस तरह के भूत काफी ज्यादा खतरनाक सिद्ध होते हैं। ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरा का है जहाँ हॉस्टल में दो लड़कों को सोता हुआ देखा जा सकता है। बहुत दिनों से यहाँ अजीब हरकतें हो रही थी, जिस वजह से इन लड़कों ने रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने का तय किया, और कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आधी रात को अचानक से दरवाजा खुलता है और कोई इनविजिबल फोर्स इस लड़के की टांगों को उठाना शुरू कर देती है। देखते देखते वो इसे आधे से ज्यादा उठा लेती है, और तभी ये लड़का जाग जाता है। जागने के बाद ये लड़का काफी डरा हुआ नजर आता है, और इसी के साथ वीडियो भी एंड हो जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो वो भी यही बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पैरों को इतना ज्यादा नहीं उठा सकता जितना ज्यादा यहाँ इस लड़के के पैरों को उठाया गया है, और इसलिए इस वीडियो को सच माना जा रहा है। नंबर 8, चंडीगढ़ हॉस्पिटल की फुटेज। दोस्तों, अक्सर हॉस्पिटल्स को सबसे ज्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ पाया जाता है। हो सकता है कि आप जिस बेड पर लेटे हो उस पर एक दिन पहले किसी दूसरे ने दम तोड़ा हो, और इसी वजह से कई हॉस्पिटल्स के भूतिया होने की कहानियां भी सामने आती हैं। ये वीडियो बताया जा रहा है चंडीगढ़ हॉस्पिटल का, जब यहाँ पर रखी गई व्हीलचेयर रात में अपने आप लुढ़कने लग जाती है। दोस्तों, ये लुढ़कते लुढ़कते रैंप तक जा पहुंचती है, और अंत में रैंप से लुढ़कते हुए नीचे चली जाती है। ये सब वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तो हो ही जाता है, पर वहां खड़ा गार्ड भी इस दृश्य को अपनी आंखों से देखता है। चलो, रैंप से व्हीलचेयर का लुढ़कना तो मान गए कि ढलान होने की वजह से हुआ होगा, पर बिना तेज हवा चले कॉर्नर में रखी व्हीलचेयर का लुढ़क कर आगे आना और फिर लुढ़कते लुढ़कते रैंप तक पहुंच जाना, ये तो कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि अगर हवा चलती तो यहाँ साइड में लगे पेड़ पौधों को भी हिलना चाहिए था, ये नहीं हिल रहे थे, बस कुर्सी ही लुढ़क रही थी। नंबर 7, बिस्तर पर प्रेत आत्मा का दिखना। अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हो इसे आप खुद से भी काफी ज्यादा रिलेट कर सकोगे। दोस्तों, कई बारी हमारी नींद आधी रात में अचानक से खुल जाती है, और बहुत बार तो हम खुद को किसी बुरे सपने की वजह से पसीने से लथपथ भी पाते हैं। यहाँ पर भी ये बुजुर्ग आदमी अपने बेड पर सो रहा होता है कि खिड़की पर कुछ हलचल होती है, और इनके पैरों के पास एक सफेद परछाई कैमरे में कैद हो जाती है। वो कुछ देर वहां पर होती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। इसके कुछ देर बाद ये बुजुर्ग आदमी उठ जाता है और अपने पास रखे सोफे पर काफी सीरियस होकर बैठ जाता है, मानो कि उसे कोई बुरा सपना आया हो। अब जो बात सोचने वाली है वो ये है कि ये सफेद परछाई थी क्या, और इसके जाने के तुरंत बाद ये शख्स उठकर क्यों बैठ गया। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी यहाँ। नंबर 6, बिल्ली और आत्मा। दोस्तों, कुत्ते और बिल्लियों के बारे में ये बात तो आपने भी घर वालों के मुंह से सुनी होगी कि इन्हें भूत प्रेत आत्माएं दिख जाती हैं। इस वीडियो को जेम्स नाम के शख्स के द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जिसमें वो ये बताते हैं कि उनके दो जानवरों में से एक डॉग की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है, पर उसके मारे जाने के कुछ देर बाद इनकी बिल्ली अजीब तरह से बिहेव करने लग जाती है। दोस्तों, बिल्ली ऐसे बिहेव करती है जैसे वो किसी हवा में उड़ती चीज को बार बार टच करने की कोशिश कर रही हो, साथ ही वो ऐसा काफी देर तक करती रहती है जिसे ये अपने फोन में भी फिल्मा लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये चीज इनके ही डॉग की आत्मा थी जो कि बिल्ली के साथ आखिरी बार खेलने की कोशिश कर रही थी। नंबर 5, चिराग खन्ना का ये वीडियो। दोस्तों, जब से यूट्यूबर्स ने अपने वीलॉग्स में हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तब से बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जो सचमुच में काफी ज्यादा डरा देती हैं।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको चिराग के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, चिराग अपने वीलॉग्स में भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और कई बार इन्हीं जगहों को एक्सप्लोर करने में इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिन पर विश्वास कर पाना ऑडियंस के लिए काफी कठिन होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था जब चिराग लूथियन सेमेट्री, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसे देखने रात में जाते हैं। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, पर फिर इन्हें पेड़ के पास एक आदमी दिखाई पड़ता है जिसके पीछे ये जैसे ही जाते हैं तो थोड़ी दूर जाकर इनके हाथ से अचानक खून बहने लग जाता है। घाव इतना डीप था कि खून रुक ही नहीं रहा था, पर फिर भी चिराग को कोई खबर नहीं थी। बाद में जैसे ही इन्होंने अपने खुद के हाथों से बहते खून को देखा तो इनकी तो सांसें ही रुक जाती हैं। इन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये खून उनका ही है, पर जब बाद में वो हाथ धोते हैं तब उन्हें पता चलता है कि घाव उन्हीं को लगा है। और आज भी माना जाता है कि लूथियन सिमेट्री में भूतों का साया मौजूद है। नंबर 4, आग में बच्चे का खेलना। दोस्तों, आग जब एक बार दहकती है तो हर उस चीज को जलाकर रख देती है जो भी उसकी चपेट में आता है, पर इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसे देखकर आप भी डर जाओगे। दरअसल कैलिफोर्निया के एक छोटे से कस्बे में एक खंडर पड़े घर में आग धधक उठती है। पड़ोसी फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं तो वो वेरीफाई करने के लिए वीडियो प्रूफ मांगते हैं और माइकल नाम का ये शख्स वीडियो बनाकर उन्हें भेज देता है। फिर उन्हें जो वीडियो में दिखता है ना, उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। देखा आपने, आग में किसी बच्चे का चलकर साइड तक जाने जैसी परछाई बन रही है। हैरानियत की बात तो ये थी कि ये घर तो खंडर था, तो इससे किसी बच्चे के निकलने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और साथ ही कोई भी आग में इस तरह नहीं चल सकता। तो ये क्या था, वो चीज भी अभी तक रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, भूतिया घर। दोस्तों, इंडोनेशिया के लामपुआंग से एक परिवार रिपोर्ट करता है कि जब से उनकी बेटी कॉलेज के हॉस्टल से वापस लौटी है तब से एक अनजान एंटिटी उससे अटैच हो चुकी है। दोस्तों, शुरुआत में तो लड़की बस अजीब हरकतें ही करती थी जिसे ये लोग दिमागी बीमारी समझ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद तो सभी को समझ आ गया कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि किसी दूसरी चीज का साया है। इस वीडियो में वो लड़की वही अजीब हरकतें करती है जैसे वो पहले से करते आ रही थी। ऐसा देखा जाता है कि ये लड़की घर के भीतर जाने की कोशिश करती है पर कोई आत्मा उसे बाहर खींचने लग जाती है। देखा कैसे ये लड़की बाहर की ओर खिंचते चली जा रही है। स्टार्ट में तो मुझे भी इस वीडियो पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब इस इनविजिबल फोर्स को देखा तो इसे आप तक लाने से खुद को नहीं रोक पाया। कैसे इसके पैर को पकड़ कर कोई खींच रहा है ना, ये चीज एक्टिंग करके मेरे हिसाब से तो नहीं की जा सकती। नंबर 2, कैप्टन मोहम्मद हुसैन का भूत। दोस्तों, दरअसल ये वीडियो काफी ज्यादा डरावनी होने जा रही है। UAE के समुद्री तट के पास एक काफी पॉपुलर शिप हुआ करता था जिसे उस वक्त फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता था। ये शिप दोस्तों काफी शानदार था और ये जिस कंपनी का था वो इसे पैसे कमाने की मशीन भी कहती थी। पर अचानक से एक दिन इस शिप के निचले कंपार्टमेंट में इसके कैप्टन मोहम्मद हुसैन की लाश मिलती है, जिनकी मौत बहुत ज्यादा रहस्यमयी ढंग से हुई थी। उसके बाद एक साल तो ये जहाज कानूनी शिकंजों में फंसने की वजह से नहीं चल पाया, पर जब इसे फिर से समुन्दर में उतारा गया तभी अपनी कंपनी को बड़े बड़े लॉसेस देने लग जाता है, जिस वजह से ये कंपनी इसे खंडर कर देती है और फिर यहीं से शुरू होती है इसके हॉन्टेड होने की कहानी। जो भी शिप इस भूतिया शिप के पास पार्क होती थी उस पर कोई इस शिप से लकड़ी और फर्नीचर के टुकड़े फेंकता था, साथ ही जो भी इस हॉन्टेड जहाज के भीतर जाता था उसके साथ भी पैरानॉर्मल गतिविधियां होना शुरू हो जाती थी। फिर जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एक टीम इस शिप पर घोस्ट हंटिंग के लिए गई तो उनके कैमरे में जो कैद हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। अचानक से खोज करते करते कोई इनके साथी की पीठ पर लाइव कैमरे के सामने ही खरोच बना देता है जिसे ये कैमरे में कैद भी कर लेते हैं। इसके बाद ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ जो आत्मा है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है, तो ये वहाँ से जाने का फैसला ले लेते हैं। पर जाते वक्त कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो जाता है जिस पर ये तक विश्वास नहीं कर पाते। यहाँ साइड में किसी बड़े से इंसान की परछाई देख रहे हो, हाँ यही,
लोग बताते हैं कि ये उसी कैप्टन का भूत है जो कि इस शिप को आज भी हॉन्टेड किए है। नंबर एक, हिस्ट्री सीकर्स का ये वीडियो। दोस्तों, दो लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस चैनल का नाम हिस्ट्री सीकर्स रखते हैं। क्या कंटेंट बनाए समझ नहीं आता तो भूतिया जगह पर जाते हैं, वहां का वीलॉग शूट करते हैं, थोड़ी बहुत वीडियो में मस्ती करते हैं और उसे यूट्यूब पर डाल देते हैं, और जब देखते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे तो वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, पर इन लोगों को क्या पता था कि इन्होंने जो वीडियो बनाई थी वो लाखों लोगों को हैरान करके रख देगी। कैसे? जरा दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखो। इस सीक्वेंस में ये लोग जब कैमरा मूव करते हैं तो उस साइड इस कमरे में ऐसी परछाई दिखती है जैसे कोई यहाँ पर खड़ा हो, पर जब ये लोग कुछ देर बाद यहीं जा करके देखते हैं तो यहाँ कोई नहीं था। इसके बाद जब ये सब कुछ एक्सप्लोर करके खंडर से बाहर जा रहे होते हैं तब फिर से ये आकृति काफी क्लियरली कैमरे में कैद हो जाती है, जबकि इन लोगों को असली में वहां पर कोई नहीं दिखा था। बाद में ये कहानी बताते हैं कि ये जिस खंडर में गए थे वहां पर एक व्यक्ति रहा करता था जिसने फांसी लगा करके सुइसाइड कर ली थी। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हो? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही वीडियोस और चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।